ओम श्री साईनाथाय नमः। भगवान की लीला कोई नहीं जान सकता, वो कब किससे और कहां क्या करवा ले किसी को नहीं पता, और कब क्या करने से हमें क्या प्रेरणा मिल जाएगी ये भी हम नहीं जानते। कई बार जिस काम को हम बहुत डरते हैं ना करने में, वही काम हमारी ज़िंदगी बन जाता है। जिस इंसान से हम बहुत डरते हैं ना मिलने में, उससे बात करने में, उससे रिश्ता रखने में, वही इंसान हमारी ज़िंदगी में आकर हमारी ज़िंदगी ही बदल देता है। जिससे हम बात तक नहीं करना चाहते, वो इंसान आकर हमारे दिल में इतनी गहरी जगह बना लेता है, हमें विश्वास ही नहीं होता, अरे ये तो वही है क्या। तो ऐसा होता है कभी कभी। तो इसलिए ये सब करने वाले बाबा ही हैं। हमारे हर काम के पीछे ना, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, बाबा की कोई ना कोई मर्ज़ी ज़रूर होती है। हाँ, वो हमें आज समझ में नहीं आती, लेकिन आने वाले समय में, भविष्य में हमें ज़रूर पता लगता है कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ था। पर दिक्कत क्या है कि हमें सब्र नहीं होता, हम सब्र नहीं कर पाते। और जो लोग सब्र कर लेते हैं, उन्हें, जो बाबा पर पूरा विश्वास करते हैं ना, उन्हें पता है कि बाबा हमारे साथ कभी गलत नहीं कर सकते, और उन भक्तों के साथ गलत होता भी नहीं है, क्योंकि वो अपने साईं पर अटूट विश्वास करते हैं। तो क्या हम नहीं बन सकते? हम भी बन सकते हैं, लेकिन बनने के लिए ना बहुत सबूरी चाहिए, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब हम अच्छे रास्ते पर चलते हैं या फिर कामयाबी के रास्ते पर जाना चाहते हैं ना, क्योंकि मुश्किलें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि एक चैलेंज होता है वहाँ तक पहुँचना। जो पहुँच जाता है वो जीत जाता है। और अक्सर क्या होता है, जब हम किसी मंजिल के पास पहुँचने वाले होते हैं तो तकलीफ़ और बढ़ जाती है, ताकि हम उसे छोड़ दें। लेकिन जो नहीं छोड़ता वो कामयाब हो जाता है। अगर कामयाबी मिलना आसान होती ना, तो आज हर इंसान हो जाता कामयाब। क्यों नहीं है? क्योंकि जज्बा चाहिए उस तक पहुँचने में, फिर वो चाहे मंजिल साईं ही क्यों ना हो, है ना। इतनी आसानी से नहीं मिलते बाबा। तो मैं क्या कह रही थी कि हर काम के पीछे बाबा की कोई ना कोई एक, बाबा जानते हैं कि उनके भक्त के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। इसलिए जो बाबा करवा रहे हैं उसको खेल समझकर खेलते रहो, खेलते जाओ, खेलते जाओ, करते जाओ। ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिमाग लगाएंगे भी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। होना वही है जो बाबा चाहते हैं, और होगा भी वही जो बाबा चाहते हैं। आपने सुना होगा ना कि भगवान कहते हैं तुम करते वो हो जो तुम चाहते हो, और होता वो है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए करो वो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तुम चाहते हो, ठीक है। इसलिए हम क्यों अपना दिमाग लगाएं, क्यों समय बर्बाद करें। जो करेंगे बाबा अच्छा ही करेंगे ना, वही करने वाले हैं और वही करवाने वाले भी हैं। हमारा जो कुछ भी है हमारे पास, चाहे वो धन है, कोई वस्तु है, हमारी मेहनत है, कुछ भी है, वो दान में, अच्छे कामों में अगर लग जाए ना, हमारे हाथ अगर किसी अच्छे कामों में, सेवा करने में लग जाए, वही सार्थक है, वही सब कुछ है। तो अपने से जितना अच्छा बनता है हम उतना करते हैं, बाकी करने वाले बाबा हैं। बस हमें कर्म करना है, ठीक है, हमें चलते रहना है, क्योंकि रुक गए तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे ना। चलते रहना है, सफलता रास्ते में कहीं ना कहीं तो खड़ी है, चलते रहते हैं मिलेगी तो ज़रूर। क्योंकि जो काम शिद्दत से और बुरी मेहनत और लगन से किया जाए ना, वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर देकर जाता है। बस हमारी जो मेहनत है ना, वो नहीं छूटनी चाहिए, फिर वो चाहे रिश्ते का मामला हो या फिर किसी चीज़ का या फिर ज़िंदगी का, मिलता ज़रूर कुछ ना कुछ। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे जैसा साईं करवाएंगे, जो बाबा करेंगे अच्छा ही होगा। बाबा का नाम लेकर के सो जाइए, सब अच्छा होगा। ओम साईं राम, जय साईं राम, साईं शुभ रात्रि।